गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 12th बिहार बोर्ड में आए हुए सवाल में लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो आप देखे होंगे, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज हम लोग देखते हैं BSEB बिहार बोर्ड 12th के एग्ज़ाम में जो 2020 में सवाल आया है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन शुरुआत होता है सवाल नंबर 28 से। 28 नंबर सवाल है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर लाना है आपको π/2। इस सवाल को देखते हैं तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपका, लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। आप यहाँ लगा दीजिए साइन इनवर्स x जोड़ साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x जोड़ साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x गुना √1 - y² 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 प्लस बाई गुना √1 - x² यानी 4/5 का स्क्वायर यानी 16/25। और इनको छोड़ दीजिए, साइन इनवर्स 16/65 इनको छोड़ दीजिए, तब ये हो जाएगा आपको साइन इनवर्स 4/5 गुना 169 में से 25 घटाएंगे तो ये होगा 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12 और ये 13 हो जाएगा 169 का स्क्वायर रूट प्लस 5/13 और ये हो जाएगा 25 - 16 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5 और इसको तो कुछ करना ही नहीं है 16/65। अभी आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए इसको आप लिख सकते हैं बर्चों का 48/65 प्लस 5 तिहाई 15/65 माइनस प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 8/5 13 4/1 5/1 6 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब देखिए ये दोनों साइन इनवर्स में आ गया तो दो तरीका है, फिर से आप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगा सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि साइन इनवर्स 16/65 को तोड़ दीजिए। साइन इनवर्स 16/65 को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स √1 - x² 16 का स्क्वायर 256 और 65 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 × 25 = 36 2 = 32 6 × 25 = 36 6 × 36 = 36 5 × 2 = 9 3 = 4 42 25 ये आपको मिल जाएगा। तो अभी हो जाएगा कॉस इनवर्स √1 ये 4225 में से घटा दीजिए 256 तो 15 में से 6 गया 9, 11 में से 5 गया 6 और 41 में से 2 गया 39 ÷ 4225। तो ये कॉस इनवर्स आपको ये 63 का स्क्वायर रूट है और ये 65 का स्क्वायर रूट है तो आपको ये मिल गया। तो अब सवाल में देखिए क्या मिल रहा है, आपको मिल गया ये हो गया साइन इनवर्स 63/65 जोड़ और साइन इनवर्स 16/65 के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं तो कॉस इनवर्स 63/65। अब यहाँ आप फॉर्मूला लगा दीजिए कि साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। तो ये देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स तो इसके जगह पर आप लिख देंगे π/2, यही आपका राइट हैंड साइड है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ के बाद समझने वाली बात है, आमतौर पर विद्यार्थी यहाँ फिर से साइन इनवर्स एक्स जोड़ साइन इनवर्स वाई लगा देते हैं, वो भी ठीक है लेकिन और इससे आसान आप बना सकते हैं, इसमें से किसी एक को साइन इनवर्स को जो दिया हुआ है उसको कॉस इनवर्स में बदल दीजिए और तब फॉर्मूला लगाइए साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। उम्मीद है आप इस सवाल को सीख गए होंगे, ये सवाल आपको आगे भी मदद करेगा। इस टाइप का सवाल अक्सर हाँ पूछा जाता है NDA वगैरह में। देखिए सवाल नंबर 29 में चलते हैं।
सवाल नंबर 29 है, एफ फंक्शन दिया हुआ है एफ आर टू आर और कह रहा है कि एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। सवाल कहता है कि एफ ऑफ एक्स निकालिए। इस टाइप का सवाल बहुत कॉमन सा सवाल है फंक्शन का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बहुत ही अच्छा प्रॉमिस है। तो एफ ऑफ एक्स निकालने का मतलब हो गया एफ ऑफ एफ एक्स का मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब ये एफ एक्स के जगह पर हम इसको फिर से पुट करेंगे तो देखिए एफ एक्स का मान ये है। यहाँ पर लड़का गड़बड़ा जाता है, विद्यार्थी जरा ध्यान दीजिएगा, इस एक्स के जगह पर आपको ये पूरा रख देना है। तो एक्स के जगह पर रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और इनका होल स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ एक्स के जगह पर रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और ये टू आप परिवर्तित रहेगा। अभी हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस टू ए बी, तो तीन टू दूनी छः एक्स क्यू, फिर होगा माइनस टू बी सी, तो तीन दूनी छः दूनी बारह एक्स प्लस हो जाएगा टू ए सी, तो दो दूनी चार एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस नाइन एक्स माइनस थ्री टू जा सिक्स और ये हो जाएगा प्लस टू। देखिए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस नाइन एक्स और माइनस सिक्स और ये प्लस टू, तो चार और दो छः माइनस छः कट गया तो बच गया x का पावर चार और ये नाइन एक्स स्क्वायर और चार एक्स स्क्वायर तेरह एक्स स्क्वायर में से तीन एक्स स्क्वायर घटा दीजिए तो ये हो जाएगा दस एक्स स्क्वायर प्लस में और ये छः एक्स क्यूब का एक टर्म पहले था। देखिए x के पावर 4 हो गया 6x के पावर क्यूब हो गया, ये 9 और 4 13 में से 3 गया 10 हो गया, बच गया माइनस 12x प्लस 9x यानी माइनस 3x, यही आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन बढ़िया से एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 30 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 30 में क्या है इसको देखिए। सवाल नंबर 30 डिटर्मिनेंट में है, कहता है साबित कीजिए कि 1x एक्स स्क्वायर 1 और x स्क्वायर और 1 बराबर साबित करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल है, एक्सरसाइज 4.2 का एनसीईआरटी जरूर बनाना चाहिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं, C1 और C2 और C3 तीनों को जोड़ देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये आपका हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ भी हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिटर्मिनेंट में ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब कुछ नहीं बुझा रहा हो तो ऐसा कीजिए कि कोई एक कॉलम या एक रो में सब एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाए ताकि हम उसको कॉमन ले लें और फिर जीरो ला सके। डिटर्मिनेंट को बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हाउ टू गेट मैक्सिमम जीरो इन ए पार्टिकुलर रो और पार्टिकुलर कॉलम। तो हमने C1 में ऑपरेशन किया था, C2 को छोड़ देते हैं, दिस इज एक्स वन एंड एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर एक्स एंड वन। अब आप यहां से कॉमन ले लीजिए C1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको लिखना भी चाहिए एग्जाम में कि टेकिंग कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम C1, तो अब ये बच जाएगा 1, 1, 1, ये हो जाएगा एक्स 1 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स और 1। अब आप यहां पर क्या कीजिए कि R1 में से R2 घटा दीजिए और R2 में से R3 घटा दीजिए। देखिए R1 में से आप R2 घटा दीजिए और R2 में से R3 को घटा दीजिए तो मिल जाएगा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा आपको एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर R2 में से R3 घटा दीजिए, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 1। ये आपको अपने सीखना चाहिए, कुछ भी कीजिए पर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ जाए। ये देखिए तीसरा में कोई काम नहीं किए थे तो 1 एक्स स्क्वायर और 1 हमने लिख दिया। अब देखिए क्या करते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन के रूप में बाहर था, यहाँ कीजिए 0, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स चूँकि हमको लाना था। अब यहाँ भी देखिए माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो मिल जाएगा 1 माइनस एक्स
और ये हो जाएगा जीरो। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दीजिए और यहाँ भी माइनस कॉमन ले लीजिए और ये वन एक्स स्क्वायर और ये वन बच गया। अब आप क्या कीजिएगा भाई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स कॉमन है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स कॉमन है, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो बच गया 0। ये हो गया माइनस 1, ये हो गया माइनस एक्स, ये बच गया 0, ये बच गया 1 प्लस एक्स, ये बच गया माइनस 1, ये बच गया 1 एक्स स्क्वायर और ये हो गया 1। थोड़ा सा और हमको इरेज करना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा स्टेप ज़्यादा है इसमें, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना करें। हम प्रत्येक वीडियो में यही देखते हैं कि हमारा क्वालिटी जाना चाहिए, क्वांटिटी जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मदद मिले। अब देखिए हम यहाँ से एक्सपेंड कर देते हैं वन से, तो वन से जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हमको मिल गया है वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेंगे 1 से, तो 1 वाला टर्म कॉलम और रो ख़त्म हो जाएगा, 1 वाले कॉलम और 1 वाले रो ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा माइनस 1 गुना माइनस 1 यानी 1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स गुना 1 प्लस एक्स, तो एक्स गुना 1 एक्स और एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दो बार गुना हुआ है, यानी 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका कंप्लीट होल स्क्वायर। अभी हो गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, और यही आपको लाना था 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही कॉमन सवाल है एनसीईआरटी का, लगभग सब लोग इसको बना के जाते हैं, फिर भी इसमें गलती होने की संभावना बनी रहती है, इसको और प्रैक्टिस कीजिएगा। हालांकि अब प्रैक्टिस का क्या मतलब है, आप तो एग्जाम दे ही चुके हैं, लेकिन फिर भी आगे जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो देखते रहिए। बस जैसे ही ख़त्म हुआ इसका सॉल्यूशन, हम तुरंत जेई 2020 के लिए अलग से सेशन लाएंगे जिसमें सिर्फ ट्रिक्स बताएंगे, करीब करीब एक दो महीना, बहुत उसमें आपको बहुत मदद मिलेगा। और भी लोकस का चैप्टर चलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कुछ लड़कों कमेंट में बोल रहे थे लड़के कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर पढ़ाइए, बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं उनको बता दूं कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत जल्द पढ़ाने वाला हूं, 10 लेक्चर ऑलरेडी उसका मैंने बना दिया है, आप प्ले लिस्ट में देखिए। अब इसके बाद जो लेक्चर होगा वो लोकस होगा, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर सर्किल, फिर पैराबोला और इलिप्स हाइपरबोला सब, लेकिन फिलहाल अभी हम 12 का कर देते हैं, चूँकि एक बहुत प्यारी सी बच्ची कमेंट की थी कि सर आप 12 का सोल्यूशन प्लीज़ दे दीजिए, तो हम ये दे रहे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 31 में चलते हैं। 31 सवाल है कि y बराबर दिया हुआ है 3 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 3x, तो हमको साबित करना है, प्रूव दैट, साबित करना है d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू d y बाई डी एक्स प्लस 6 बाई बराबर 0। कुछ नहीं करेंगे बाबू, इसमें बाई दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। देखिए बाई बराबर है 3 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर 3x, हम निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 3 ई के पावर 2x का डेरिवेटिव ई के पावर 2x और 2x का 2 प्लस 2 इंटू ई के पावर 3x का डेरिवेटिव ई का पावर 3x और 3x का हो जाएगा 3, यानी डी बाई बाई डी एक्स बराबर होगा 3 टू जा 6 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 6 इंटू ई टू द पावर 3x, ये हमको काम आएगा इसलिए हमने इसको घेर दिया। अब हम इसका निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 6 गुना ई के पावर 2x और फिर 2x का हो जाएगा 2, तो 6 दुनी 12 प्लस यहाँ 6 ई के पावर 3x और फिर 3x का 3 गुना में, यानी 6 तिहाई 18, ये हमको मिल गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, नाउ लेफ्ट हैंड साइड हमारा है, लेफ्ट हैंड साइड है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 टाइम्स ऑफ वाई, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया 12 गुने ई का पावर 2x प्लस 18 गुना ई के पावर 3x माइनस 5 गुना डी वाई बाई डी एक्स, इस डी वाई बाई डी एक्स में 5 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 65 जा 30 ई के पावर 2x और ये हो जाएगा 30 ई के पावर 3x और ये भी साइन निगेटिव हो जाएगा।
प्लस है सिक्स बाई, बाई में सिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा सिक्स थ्री जा 18 ई का पावर 2x प्लस 12 ई का पावर 3x, तो ये 12 ई के पावर 2x और 18 ई के पावर 2x, 18 और 12 30 में से 30 कट गया, वैसे ही 18 12 30 में से 30 कट गया, ये जीरो हो गया और यही आपका राइट हैंड साइड था। तो आप देख रहे हैं सवाल कितना ईजी पूछा गया है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं तब, अगर नहीं जानते हैं तो यही सवाल आपको बहुत कठिन लगेगा। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव यूज हुआ, कोई बहुत टफ नहीं था। चलिए आगे सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 32, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल, ये आईटी में भी एक बार पूछा जा चुका है। 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का सवाल है, इसको आप बढ़िया से देखिएगा। पहले इसको बनाते हैं क्या भाई, मान लेते हैं आई बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, इसको आप मान लीजिए 1, और डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो किंग प्रॉपर्टी है उसको लगा दीजिए। 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना हो तो आप लिख सकते हैं 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, यानी जो x है वो रिप्लेस हो जाता है a माइनस एक्स में, यानी I बराबर होगा 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन और x बदल जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स में। 0 log of 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 log of 1 प्लस, अब यहाँ लगा दीजिए tan a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका tan a माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इन टू टेन बी। अब क्या करना है, तो tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, तो उसको लगा दीजिए 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बटा 1 प्लस टेन एक्स, टेन पाई बाई 4 का मान हमने 1 रख दिया, तो अब हो गया ये 0 से पाई बाई 4 लॉग ये 1 प्लस टेन एक्स, आप एलसीएम ले लीजिए, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स में जोड़ देंगे 1 माइनस टेन एक्स, 1 और टेन एक्स और टेन एक्स कट जाएगा, 1 और 1 जुट जाएगा, तो आपको ये मिल गया, इसको मैं लिख दीजिए 2। अब 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 और 2 को जब जोड़ देंगे तो बन जाएगा 2i, 2i बराबर होगा 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन एक्स, ये लॉग ऑफ 1 प्लस टेन एक्स जोड़ लॉग ऑफ 2 बटा 1 प्लस टेन एक्स आई कंप्लीट का dx, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 लॉग m प्लस लॉग n, तो हो जाएगा लॉग m गुना n, यानी 1 प्लस टेन एक्स गुना 2 बटा 1 प्लस टेन एक्स, ये 1 प्लस टेन एक्स कट गया और ये dx भी रहेगा, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 लॉग 2 dx। जरा ध्यान दीजिएगा, लिखने में कॉपी वगैरह देख कर करके सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा या वीडियो पॉज कर करके लिख दीजिएगा। अब ये log 2 बाहर निकल जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x हो गया 0 से पाई बाई 4, तब ये हो जाएगा log 2 और पाई बाई 4 माइनस 0 यानी पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 log 2, लेकिन ये वैल्यू था 2i का, ये देखिए 2i का ये वैल्यू था, तो इसीलिए i का वैल्यू हो जाएगा ये 2 यहाँ से यहाँ चला आएगा, तो मिल जाएगा पाई बाई 8 log 2। काफ़ी अच्छा सवाल, इसको एक बार फिर से देख लीजिए कैलकुलेशन, वीडियो पॉज कर कर करके इसके आंसर को आप लिख लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33, सवाल नंबर 33 में चलते हैं। वीडियो आप लोग देखते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है, व्यू भी बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर थोड़ा और बढ़ाइए, जितना जल्दी हो सकता है आप इससे चैनल से जुड़ जाइए, बहुत आपको फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कमेंट कर करके बोलते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है आपका वीडियो, और डायरेक्ट सवाल जब आ जाता है तो खुशी बढ़ ही जाती है। सवाल नंबर 33 देखिए, सवाल नंबर 33 है आपका, कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, एक लाइन है x प्लस 1 बाई 2 और बराबर y बाई 3 बराबर है z माइनस 3 बाई 6, और कह रहा है कि एक प्लेन भी है, प्लेन दिया हुआ है 10x प्लस 2y माइनस 11z बराबर 3, ये लाइन है
और ये प्लेन है। सवाल पूरा नहीं लिख रहे हैं, सवाल आप समझ जाइएगा इसी से। सवाल कर रहा है कि ये लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, एंगल निकालना है। सवाल है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, दो लाइन और ए लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। ये प्लेन है और मान लीजिए कि ये आपका इसी में कोई एक लाइन है, तो ये लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल क्या होता है, साइन थीटा बराबर डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट, डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट। तो इसका डायरेक्शन रेशियो देखिए 2, 3, 6 है, इसका डायरेक्शन रेशियो 10, 2 और -11 है। तो 2 × 10 = 20, 3 × 2 = 6, 6 × -11 = -66। और नीचे में क्या हो जाएगा भाई, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 2i, 3j और 6k, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 6 × 6 = 36। फिर दूसरे वेक्टर का 10 का स्क्वायर = 100, फिर 2 का स्क्वायर = 4, फिर 11 का स्क्वायर = 121। बहुत आसान है, प्लेन वगैरह का सवाल लोग डरते हैं क्योंकि पढ़े नहीं हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होता है। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल ऐसे ही निकालते हैं, साइन थीटा बराबर, और इस दो को वेक्टर मान लेते हैं B1 और ये B2, डायरेक्शन रेशियो से। तो यहाँ निकालते हैं B1 / B2, और यहाँ B का मैग्नीट्यूड B1 का और यहाँ B2 का, बस यहाँ कॉस थीटा के जगह पर साइन थीटा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 20 + 6 = 26 में से 66 गया, 26 - 66, और 36 × 4 = 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7, और 104 और 21 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा आपका 6 में से 6 = 0, 6 में से 2 = 4, आई 7 × 15 और ये साइन माइनस, 3 × 15 = 8 × 40, यानी ये हो जाएगा -8/21, मोड से बाहर निकलेगा तो 8/21, ये किसका वैल्यू निकला, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर हो गया 8/21, तो थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स 8/21, यही आपका आंसर है। ये लाइन और प्लेन के बीच का एंगल हुआ। फिर से मैं बता दूं, कोई प्लेन ये है और इसी में कोई लाइन है, तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल होता है साइन थीटा बराबर B1 / B2 / B1 का मैग्नीट्यूड × B2 का मैग्नीट्यूड। ये B1 क्या हुआ, लाइन का डायरेक्शन रेशियो जिसके पैरेलल है, और B2 क्या हुआ, प्लेन की जिसके परपेंडिकुलर है उस वेक्टर का। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 34 नंबर सवाल, 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 34 नंबर सवाल देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 9, मीन दिया हुआ है 9 और वेरिएंस दिया हुआ है 6, वेरिएंस दिया हुआ है आपका 6। हमको निकालना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है P+Q का पावर n, जहाँ P है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और Q है फेलियर की प्रोबेबिलिटी और n है ट्रायल्स। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम जेईई मेंस में डायरेक्ट पूछता है। तो मीन दिया हुआ है 9, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला होता है n × p, तो n × p बराबर है 9, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है n × p × q बराबर 6। समझ रहे हैं बात को, n को कहते हैं ट्रायल्स, जैसे एक सिक्का को 10 बार उछाला गया तो n 10 है। p होता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 सक्सेस हो गया, और q होता है फेलियर की प्रोबेबिलिटी। अब np या np q है, इसमें से हमको कुछ ना कुछ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले 2 में 1 से भाग दे देते हैं, तो np q में np से भाग दे देंगे तो q मिल जाएगा, ये हो जाएगा 6/9 यानी 2/3, ये हमको q का मान मिल गया। और जब q मिल गया तो p निकाल लेंगे, p बराबर होता है 1 - q, यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बराबर 1 - फेलियर की प्रोबेबिलिटी, यानी 1 - 2/3 यानी 1/3। जब P मिल गया, Q मिल गया, तो हम N निकाल लेते हैं, तो np q = 6 है, तो N बराबर हो जाएगा 6 × यहीं से पहला से निकाल लेते हैं, n = 9/p, P का मान हो गया 1/3 यानी 27, यानी 27 ट्रायल था। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमको निकालना था, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा q + p का पावर n,
तो क्यू हो गया आपका, क्यू हो गया 2/3 और पी हो गया 1/3 का पावर 27, यही आपको निकालना था, ये आंसर हो गया। और अब सवाल है 35, ये तो बिल्कुल ही नहीं बताएंगे, ये लिनियर प्रोग्रामिंग का सवाल है और यही सवाल डिजिट सहित डायरेक्ट आ गया था, जिसको हमने पहले ही वीडियो में लिख दिया था, वीडियो के थंबनेल में हमने लिखा था जरूर आएगा और आ गया। उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देखेंगे और फिर से जज करेंगे कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से देखते रहिए। आज हमने सब्जेक्टिव पूरा सवाल सोल्व कर दिया है, अब 50 ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा, 60 ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा, उस वीडियो को अगले दिन आप देखने के लिए तैयार रहिएगा। तब तक इस वीडियो को देखिए, इसके पहले वाले वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।